हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? कैसी है मेरी इंजीनियर आर्मी, ब्रू आर्मी? तो आज अपन यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर बात करने वाले हैं। और आज मैं यहाँ पर एटीसी एग्जाम से रिगार्डिंग जो चैलेंजेस हमें आ रहे हैं अभी प्रिपरेशन करते टाइम, मेरे जैसे काफ़ी मतलब लाखों स्टूडेंट्स को आ रहे होंगे, मुझे पता है, क्योंकि मैं भी अभी प्रिपेयर कर रहा हूँ एटीसी के लिए, आपको पता है। और मैंने दो तीन वीडियोज इस रिगार्डिंग बना भी दी है, ठीक है। एक वीडियोज के अंदर मैंने बेस्ट बुक्स यहाँ पर आपको लोगों को बताई थी, जो एनसीईआरटी की बेस्ट बुक्स हैं या फिर जो भी सबसे अच्छी बुक्स है एटीसी एग्जाम के लिए। दूसरी वीडियो के अंदर मैंने आपको यहाँ पर टॉपिक वाइज एनालिसिस बताया था, कौन से टॉपिक्स के अंदर से एटीसी एग्जाम में क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछे जा रहे हैं, और जो पीडीएफ हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स के, वो भी मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिए थे, ठीक है। तो इससे रिगार्डिंग मैं वीडियो बना चुका हूँ, प्रिपरेशन स्टडी से रिगार्डिंग वीडियोस बना चुका हूँ। तो आज ये बना वीडियो बनाने का मोटिव मेरा क्या था, ठीक है। देखो, हो सकता है वीडियो की क्वालिटी थोड़ा मतलब कम होगी अभी मेरे इसकी, लेकिन कंटेंट क्वालिटी के अंदर आपको बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। मैं आपको ये बता देता हूँ, वीडियो थोड़ा सा देखो लेंथी होने वाला है, ठीक है, लेकिन आप इसको स्किप मत करना, मैं आपको यही बोलूंगा। क्योंकि अगर वीडियो के एंड तक अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल ना लगे ना, तो आप डिसलाइक करके चले जाना यार। देखो, रात को 2 बजे अगर मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ ना, तो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि कहीं ना कहीं दिल में लगा रहता है कि यार अगर मुझे ये प्रॉब्लम आ रही थी और आज अगर मेरी थोड़ा प्रॉब्लम कम हुई है, तो मैं आप लोगों के साथ ये चीजों को शेयर कर सकूं। क्योंकि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना, आपको भी पता है इस समय एटीसी एग्जाम की क्या है, ठीक है। आपको पता है कि वेल डिफाइंड सिलेबस बिल्कुल भी नहीं है, और आपको पता है एग्जाम का ज्यादा से ज्यादा कितने महीने बचे हैं, 1.5-2 महीने, ठीक है। और ये गेट का एग्जाम तो है नहीं कि हम बहुत कुछ प्रिपेयर कर सकते हैं, एनसीईआरटी फाड़ डालेंगे, एससीबी भी फाड़ डालेंगे, इंजीनियरिंग वाला भी सिलेबस कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो देखो, वो टाइम अब है नहीं, ठीक है। हमें एक ऐसा रिसोर्स चाहिए जिससे कि हम टू द पॉइंट सिलेबस कंप्लीट कर सकें, तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको बात करूंगा। वीडियो बहुत बेनिफिशियल रहने वाली है, बिकॉज अभी एग्जाम डेट भी अनाउंस नहीं हुई है, आपको पता है, तो काफी टाइम बचा हुआ है, ठीक है। और उस टाइम के अंदर हमें क्या क्या करना है, सबसे पहले कोर्स कंप्लीट करना है, ठीक है। उसके बाद हमें फिर अपनी मतलब होता है ना कि उसके बाद हमें रिवीजन करना है, फिर मॉक टेस्ट देना है, फिर अपनी स्पीड पे काम करना है, एक्यूरेसी पे काम करना है, नॉन टेक पोर्शन को कंप्लीट करना है। मतलब आपको पता है कि एटीसी एग्जाम के अंदर कितनी सारी चीजें हमें कवर करनी है, ठीक है। लैक्स ऑफ एस्पिरेंट्स हैं, डरा नहीं रहा हूं आपको, मैं पहले बता दूं, ठीक है। लेकिन ये बता दूं कि कॉम्पिटिशन कितना तगड़ा है। अगर हमें लोगों से आगे निकलना है, तो हमें एक वो ट्रेडिशनल वे को तो मतलब एक थोड़ा चेंज करके एक स्मार्ट की तरफ चलना पड़ेगा ना यार। इतना टाइम नहीं है, जो लोग दिसंबर में प्रिपेयर करना स्टार्ट कर चुके हैं, हम उनके साथ कंपेयर अब नहीं कर सकते एनसीईआरटी पर के, ठीक है। या फिर जिनके फंडे बहुत अच्छे हैं, मैं उन लोगों की भी बात नहीं करूंगा कि जिन्होंने 11 12 बहुत अच्छे से की हुई है, जो आईआईटी एनआईटी से हैं, उनको शायद इतना दिक्कत ना आती हुई, फंडे मतलब उनके स्ट्रांग रहते हैं, उन्होंने एससी वर्मा या अच्छे से सोल्व की हुई थी उस टाइम, ठीक है, तो उनको उतनी दिक्कत नहीं आती। बट मेरे जैसे लाखों लोग होंगे जो किसी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से होंगे या फिर किसी एससी एनआईटी से होंगे, जहां पर उनको एडमिशन मिल गया था, लेकिन उनके फंडे उतने स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, और वो गेट की प्रिपरेशन भी कर चुके होंगे, बट आपको पता है फिजिक्स के काफी टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि हमने बिल्कुल नहीं छुए हैं, ठीक है। हमने इंजीनियरिंग के टाइम पढ़े थे, 11 12 के टाइम पढ़े थे, उनको हमें पढ़ना है, नॉन टेक पोर्शन कवर करना है, और काफी जो टॉपिक्स मैं आपको बता दूं जो हमारे सिलेबस में भी नहीं था ना, मैथ में, वो टॉपिक्स भी हैं, ठीक है। तो उस रिगार्डिंग ही मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूं जो कि काफी बेनिफिशियल रहेगा, तो इसकी बिल्कुल हिम्मत करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ठीक है, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी, और कोई भी अपडेट होगी तो आपको यहां पर टेलीग्राम के चैनल पर मिल जाएगी। आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर, ठीक है, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर आप जरूर ज्वाइन कर लो, जिससे कोई भी लेटेस्ट अपडेट होती है सबसे पहले अपडेट हो ही जाता है, ठीक है। वहां पर बहुत एक्टिव है अपने यूजर्स, ठीक है ना, और जो बुक्स वगैरह के लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएंगे, ठीक है ना, उससे रिगार्डिंग मैंने आपको बता ही दिया है। तो आज अपन जो बात कर रहे हैं, वो मैं ये बात कर रहा हूँ, तो टू द पॉइंट आता हूँ मैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट आपका नहीं करूंगा, मुझे पता है कितना टाइम इंपॉर्टेंट है, और मैं भी अपने कीमती टाइम में से ही ये टाइम निकाल पा रहा हूँ। रात के 2:15 बज रहे हैं, लगभग 2 बज रहे हैं यार, और अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो देखो, 4 वीडियो लेक्चर्स मेरे को, जो 4 ऑनलाइन कोर्सेज, सॉरी बोलने में थोड़ा हो जाए तो थोड़ा सा मतलब देख लेना, 4 ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह जो मेरे को मतलब अभी ऑनलाइन अच्छे लगे हैं, उनकी मैं रिव्यूज आपको यहाँ पर दूंगा। उसमें से एक मैंने भी परचेस किया हुआ है, ठीक है, एटीसी एग्जाम से रिगार्डिंग मैं बात करूंगा। क्योंकि क्या होता है ना, सबसे अच्छा तरीका भी यही है कि बुक्स वगैरह से हम देखो उतना अच्छे से नहीं कर सकते हैं, बुक्स वगैरह में टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। बुक्स ऐसा नहीं है कि हम मतलब बुक्स पढ़ना गलत है, बुक्स पढ़ना उससे मतलब अच्छा तरीका तो एग्जाम प्रिपेयर करने का कोई हो ही नहीं सकता है। मतलब जितना मैं जानता हूं, जितना मैंने टॉपर्स को देखा है ईएससी की प्रिपरेशन करते टाइम या फिर गेट की प्रिपरेशन करते टाइम, स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ना, लेकिन उसके लिए क्या होता है, टाइम चाहिए होता है बेसिकली, ठीक है। लेकिन अब उतना टाइम नहीं बचा है, तो हमें स्मार्ट वे में स्टडी करके अपने स्कोर को इंप्रूव करना है यार। हमें ऐसा नहीं है कि व्यू ऑप्टिक्स के अंदर ही 1 महीना लगा देना है, 11 12 पढ़नी है, फिर फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर की वो टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं जो कभी हमारे सिलेबस में हुआ करते थे, तब जाकर हमारा पूरा व्यू ऑप्टिक्स कंप्लीट हो सके, पता लगे 15 दिन कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो हमें वैसे नहीं करना है यार, तो हमें स्मार्ट वे में स्टडी करनी है। तो 4 ऑनलाइन कोर्सेज, जो आपको पता होगा आजकल काफी सारे लोग वीडियोज डालते हैं, कुछ मतलब होता है ना ऑनलाइन कोचिंग जो प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। उसमें से मोस्ट पॉपुलर आपको मैं बता दूं टेस्ट बुक है, जो कि मैंने परचेस किया हुआ है, ठीक है, और इसके अलावा
आपको अंडा 24x7 मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आपको क्या बोलते हैं, प्रशांत चतुर्वेदी का यहाँ पर सर का यहाँ पर एक कोर्सेज है, वीडियो कोर्सेज है, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको दूसरा वो देखना है तो जेनिक एजुकेशन है, जो कि काफ़ी मोस्ट पॉपुलर है। तो चार कोर्सेज का मैं आपको रिव्यू दूंगा, ठीक है, और उसके बारे में अपन बात करेंगे कौन सा बेनिफिशियल है। टेस्ट बुक का मैं आपको बता सकता हूँ अच्छे से, ओके, क्योंकि मैंने परचेस किया हुआ है, उसके अंदर क्या क्या बेनिफिट्स है वो मैं आपको बता सकता हूँ। बाकी अदर जिसने भी परचेस किया है ना, मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार आप लोग जरूर हेल्प करो लोगों की, सालों हेल्प कर दिया करो यार। मतलब मैं ये मानता हूँ कि आप जितना हेल्प करोगे ना, जितना लोग मतलब प्रॉब्लम आ रही है, अगर आप उनको हेल्प करोगे इस रिगार्डिंग, तो यार आपका ऊपर वाला जरूर साथ देगा यार इस चीज के अंदर, ठीक है। इस चीज को कभी यू मत सोचा करो कि यार अगर मैं अपने कॉम्पिटिटर की हेल्प करूंगा ना, तो यार मेरे को यार मतलब रैंक पीछे आ जाएगी या उसका सिलेक्शन हो जाएगा, मेरा नहीं होगा। देखो ऐसे करने से कभी किसी का भला नहीं हुआ है आज तक, तो यह मेंटेलिटी हमें रखनी ही नहीं है दिमाग के अंदर कि मैं बताऊं नहीं यार कि मैं ये कोर्स ले रखा है, मैं दूसरे को बताऊं कि नहीं यार तू किताब से पढ़, वही सबसे बेस्ट है। देखो जो चीज़ें जेन्युइन है उन चीज़ों को बताना जरूरी है, मैं भी बता रहा हूँ, आप भी मेरे कॉम्पिटिटर हैं, ठीक है। लेकिन देखो एक हेल्दी कॉम्पिटिशन अच्छा लगता है ना, ठीक है। अगर अपन हेल्दी कॉम्पिटिशन रखेंगे अपने बीच में कि हाँ कॉम्पिटिशन एग्जाम के दिन देखा जाएगा, लेकिन प्रिपेयर करने के लिए जो चीज़ें होती है वो तो सबको पता होनी चाहिए ना कि कहाँ से अपन प्रिपेयर कर सके, तभी तो मज़ा आएगा ना चीज़ें करने में। और मुझे देखो दिल से सुकून मिलता है, ठीक है। कॉम्पिटिशन में कोई मेरे से आगे रहे या जो भी रहे, वो चीज़ें बाद में देखी जाएगी, मैं अपना 100% दूंगा, बस मुझे वो जरूर पता है, ठीक है। तो अपन बात करते हैं यहाँ पर रिव्यूज़ के बारे में। टेस्ट बुक का अगर आपको पसंद आता है ना, तो मैं आपको ये बोलूँगा कि आप यहाँ पर टेस्ट बुक का जो मैंने ले रखा है, आप उसका रिव्यू एक बार देखो, ठीक है। और उसकी जितनी भी यूट्यूब पे वीडियोज़ हैं आप एक बार वो देखो। अगर आपको डेमो वीडियोज़ पसंद आती है, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी ATC से रिगार्डिंग, ठीक है। तो अगर आपको पसंद आती है तो आप जरूर परचेस करो टेस्ट बुक वाला, बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं अपना पर्सनल रिव्यू उसके ऊपर मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि देखो मेरे को जो अच्छा लगा मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपको अच्छा लगे आप उसे अकॉर्डिंग ले सकते हो। चार वीडियो कोर्स का अपन रिव्यू देंगे, और अगर आप टेस्ट बुक का मेरे लिंक से परचेस करते हो तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इकोनॉमिकल प्रॉब्लम मेरे जैसे काफी लोगों को होती है, तो यार मैंने परचेस किया उसके बाद दूसरों को 10% का फायदा तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो आपको देखो मेरा कोई प्रमोशन, आपको पता है मैं कोई बहुत बड़ा यूट्यूबर भी नहीं हूँ, मैं कोई फैकल्टी भी नहीं हूँ जो मैं प्रमोशन की वीडियो बनाऊंगा। काफी लोग शायद ये सोच रहे होंगे कि मैं प्रमोशन करने के लिए यहाँ पर बता रहा हूँ कि टेस्ट बुक वालों ने मुझे कोई प्रमोशन के लिए बोला है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैंने परचेस किया है, मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं भी प्रिपेयर कर रहा हूँ आप लोगों की तरह, ठीक है। इसी तरीके से मैं कोई चार कोर्स नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जो मैंने लिया है मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ, और अलोंग विद तीन और बता रहा हूँ जो कि बहुत अच्छे हैं, जो कि मेरे फ्रेंड्स ने लिए हैं, ठीक है। तो उसके भी मैं रिव्यूज आपको दूंगा। तो अपन बात करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। टेस्ट बुक का आपको लिंक मिल जाएगा, क्योंकि वो मैंने परचेस किया हुआ है, इसलिए मैं उसका लिंक प्रोवाइड कर सकता हूँ, इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ, उससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी आप कोई सा भी कोर्स खरीदे, सभी बहुत बढ़िया है, मैं यही कहूंगा। जो आपको अच्छा लगे ना आप वो खरीदो अपने कंडीशन के हिसाब से, मतलब इकोनॉमिक वाइज, या फिर जो भी आपको डोमो के अंदर उनका रिव्यूज दिखे उसके अकॉर्डिंग आप लोग खरीदो। लेकिन हाँ जरूर लो, क्योंकि उससे बेनिफिट जरूर होगा। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कि हम कवर नहीं कर सकते हैं यार ऐसे करके, मतलब बुक्स वगैरह पढ़ के, क्योंकि बहुत वास्ट सिलेबस है वो, तो हम कवर नहीं कर सकते हैं। तो मैं यही कहूंगा आपसे कि आप जरूर यहाँ पर ऑनलाइन कोर्स लो, जिससे कि आपका वो टॉपिक अच्छे से कवर हो जाए, ठीक है। तो अपन रिव्यूज देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अभी अपन रिव्यू करेंगे यहाँ पर टेस्ट बुक की ऑनलाइन यहाँ पर क्लासेस का AIITC के लिए। मैंने यहाँ पर टेस्ट बुक का ही परचेस किया हुआ है, आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा। जो टेस्ट बुक की यहाँ पर AIITC लाइव कोचिंग है, उसके अंदर यहाँ पर आपको क्या क्या यहाँ पर बेनिफिट्स मिलेंगे उस चीज़ के मैं आपको बता देता हूँ। 301 यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस मिलेगी, रिकॉर्डेड क्लासेस भी हैं, ठीक है। लाइव अगर आप लो तो बहुत अच्छी बात है, मैं लाइव नहीं लेता हूँ, ठीक है, उतना लाइव के लिए टाइम नहीं रहता दिन में मेरे पास, तो मैं रिकॉर्डेड क्लासेस यहाँ पर अटेंड करता हूँ, ठीक है, उसको स्पीड में बढ़ाकर, जैसे कि मेरा भी टाइम सेव हो जाए। उसके लिए यहाँ पर 341 प्रैक्टिस मॉड्यूल्स हैं, 81 क्विजेस हैं, तो इतना सारा प्रैक्टिस के लिए आपको पता है कि इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इसके बाद अपन बात करते हैं कि कोर्स के अंदर क्या क्या है, ठीक है। ये कोर्स मैंने परचेस किया हुआ है, मैं आपको बता रहा हूं, और अगर आपको ये कोर्स परचेस करना है ना, तो आपको यहां पर मेरे लिंक से यहां पर आपको 10% ऑफ भी मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप पे भी मिल जाएगा, आप वहां जाकर परचेस कर सकते हो, जिससे कि आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा टेस्ट बुक पे, ठीक है, अगर आप परचेस करना चाहते हो तो। अदरवाइज आप अदर वाले का किसी का भी परचेस करते हो तो वो आपकी विल पर डिपेंड करता है। अगर आप जो भी परचेस करो, देखो आपको जो आपको अच्छा लगे ना वो परचेस करो। मैं बता रहा हूं, अगर आप टेस्ट बुक का परचेस ही कर रहे हो ना, तो शायद आपको बेनिफिट हो जाए, इसलिए मैंने आपको बोला है, ठीक है। तो देखो इसके अंदर जो बेसिक फीचर्स है ये है कि इस ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आपको यहाँ पर टुडेज क्लासेस जो है, आज की क्लासेस है ना, उसके बारे में आपको यहाँ पर रिमाइंडर मिल जाएगा लाइव क्लासेस का, ठीक है। एटम एंड न्यूक्लियाई वगैरह हैं, ठीक है। वीकली टाइम टेबल आपको बता देंगे कि मैथमेटिक्स की क्लासेस कब कब होगी, ठीक है, जनरल अवेयरनेस की क्लासेस कब कब होगी, सब कुछ इनका प्लान फिक्स होता है, ठीक है। और ये जो हिंदी मीडियम बैच का मैं बेसिकली बता रहा हूँ, ये सबसे यहाँ पर ओल्ड बैच है, जो कि दिसंबर में यहाँ पर इनका चालू हो गया था, तो ऑलमोस्ट इनका सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। स्टडी प्लान अगर अपन देखें इनका, ठीक है, उसके बारे में अपन बात करते हैं।
स्टडी प्लान जो इनका है, डेली प्लान है एक, ठीक है, और एक सब्जेक्ट व्यू है, ठीक है। जो डेली प्लान है आपको पता है, यहाँ पर देखो आज यहाँ पर 21 फरवरी है, तो आज यहाँ पर क्या क्या होगा, एटम एंड न्यूक्लियाई का यहाँ पर सेकंड पार्ट होगा, उसके अलावा यहाँ पर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे। सबसे अच्छी इस टेस्ट बुक टेस्ट जो ऑनलाइन कोर्स की मेरे को लगती है वो ये है कि यहाँ पर आपको अपन को मतलब यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिल जाते हैं। अगर अपन ने ये वीडियो क्लासेस जैसे कि कंप्लीट करी, मैं आपको और अच्छे से बताऊंगा अभी, ठीक है, इसमें यहाँ पर शायद अभी यहाँ का क्या एक ही दिन का बताया हुआ है तो टॉपिक, या तो मैं आपको ये बता रहा हूँ बेसिकली कि यहाँ पर डे वाइज आपको यहां पर दिया हुआ है, ठीक है, कौन कौन से डे को कौन कौन सा यहां पर टॉपिक कवर करना है, ठीक है। इसके अलावा अगर अपन सब्जेक्ट व्यू की बात करें, कौन कौन से सब्जेक्ट है, तो ऑलमोस्ट यहाँ पर सब कुछ कवर किया हुआ है आपको। यहाँ पर जनरल अवेयरनेस से लेकर क्वांटिटी एप्टीट्यूड से लेकर फिजिक्स, मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश, सब कुछ यहाँ पर कवर किया हुआ है। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो कि सबसे ज़्यादा डिमांड में है, जैसे कि मोशन, ठीक है, मतलब फिजिक्स वाले जो टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने फिजिक्स का मॉड्यूल यहाँ पर कंप्लीट किया हुआ है, बेसिकली एक टॉपिक में यहाँ पर मॉड्यूल्स में क्या क्या होते हैं वो उसके बारे में अपन बात करते हैं, और यही यहाँ पर बताने का मेरा जो मोटिव था कि ये कैसे बेनिफिशियल यहाँ पर रहने वाला है। जैसे कि क्लास है 1D मोशन की, अगर अपन को यहाँ पर मैकेनिक्स वालों को आती है तो शायद अटेंड करने की ज़रूरत है नहीं, तो आप यहाँ पर अपने प्रैक्टिस आप यहाँ पर कर सकते हो 1D मोशन की, ठीक है, जैसे कि अपन को अपना लेवल पता लग जाएगा कि हम कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये आपका अच्छा चला जाता है तो आप हाई वाला दो, ठीक है। अगर हाई वाला अच्छा चला जाता है तो आप यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन वाला वीडियो लेक्चर अटेंड करो, नहीं तो वीडियो लेक्चर अटेंड नहीं करना है ना। तो सबसे अच्छी बात क्या होती है, वीडियो लेक्चर के पास में आपको यहाँ पर जो इनका डिजिटल बोर्ड पर जो क्लासेस लेते हैं उसके आपको PDF मिल जाएगी, तो उसको डाउनलोड करने के बाद अपन यहाँ पर उसके यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, इजी वाले, फिर हाई वाले प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर प्रोजेक्टाइल मोशन की क्लास है, तो अगर अपन को क्लास नहीं लेनी है आता है तो उसके डिजिटल नोट्स को अपन PDF डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद इजी और हाई के यहाँ पर अपन प्रोजेक्टाइल मोशन की भी यहाँ पर क्विज की प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद जो सबसे अच्छी चीज़ मेरे को लगती है ना कि जो डिजिटल नोट्स होते हैं ना वो हमको समझ में नहीं आते हैं यार, वो साले अपने राइटिंग में मतलब टीचर वगैरह पढ़ाते हैं तो हमें समझ में नहीं आता है, हमें प्रिंटेड नोट्स पढ़ने की आदत होती है, ठीक है ना। तो प्रिंटेड नोट्स यहाँ पर ये लोग प्रोवाइड करा देते हैं, टॉपिक खत्म होने के बाद यहाँ पर प्रिंटेड नोट्स प्रोवाइड करा देते हैं। मैं देखो मेरा मन था कि मैं आपको प्रिंटेड नोट्स की PDF भी यहां पर बता सकूं, बट देखो कॉपीराइट इशू कर सकते हैं टेस्ट बुक वाले, इसलिए मैं देखो सिक्योरिटी रीजन से नहीं बताऊंगा, लेकिन आप लोग डाउनलोड कर सकते हो प्रीव्यू वाली वीडियोस के, क्योंकि प्रीव्यू वाली वीडियोस के लिए सबको फ्री है यहां पर ऑलमोस्ट, ठीक है, और शायद आई थिंक ये मोशन वाले की भी फ्री है प्रीव्यू क्लासेस के अंदर, उसमें यहां पर प्रोजेक्टाइल मोशन ही कवर किया हुआ है। और उसके बाद जब आप यहां पर प्रिंटेड नोट्स ले लोगे ना तो वहां से आपको उसके बाद यहां पर क्विजेस मिलेंगे, 20 क्विजेस पूरे कंप्लीट यहां पर आपको जो भी यहां पर मोशन वाला चैप्टर है उसके, और उसके बाद आपको जो मोशन का सेकंड पार्ट है उसके भी नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से इन्होंने पूरा एक टॉपिक इस तरीके से कंप्लीट किया हुआ है, जो कि मेरे को बहुत अच्छा लगता है। इनका जो जिस तरीके का यहाँ पर मॉड्यूल्स है ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है, कोई मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ यार वीडियो लेक्चर देकर ही यहाँ पर कंप्लीट किया हुआ है, क्योंकि वीडियो लेक्चर से कभी भी हमारे कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। अगर कंसेप्ट क्लियर वीडियो केवल हमारे पढ़ाने से हो जाते तो आज तक कोचिंगों में हम कितनी बार पढ़ चुके हैं, ठीक है, जो क्वेश्चंस करने से ही होते हैं, और क्वेश्चन जब तक हम टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं प्रैक्टिस करेंगे ना तो हमें पता नहीं चलेगा। जैसे कि वेव ऑप्टिक्स है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पता ही वाला ही है, तो वेव ऑप्टिक्स के आपने दो वीडियो लेक्चर्स ली, उसके बाद आपने दो यहाँ पर प्रैक्टिस यहाँ पर क्विजेस अटेम्प्ट किए, ठीक है, आपको अपना पता लग गया कि आपके कहाँ गलतियाँ हो रही कहाँ नहीं हो रही, उसके बाद तीसरा वीडियो लेक्चर अटेम्प्ट किया या फिर उसके नोट्स आपने PDF देख लिया, उसके बाद यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है अपन को। इसी तरीके से पूरी वेव ऑप्टिक्स इन्होंने 7 से 8 वीडियो लेक्चर्स में कवर की हुई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर प्रिंटेड नोट्स आपको मिल जाएंगे, क्विज आपको मिल जाएंगे, और जितने भी टॉपिक है ना ATC से रिलेटेड, आपको सिलेबस ढूंढने की भी जरूरत नहीं है टेस्ट बुक में, ठीक है। जो भी मतलब मेरे को वीडियो कोर्सेज में किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो भी मेरे को लगता है ना, मेरे को जो सबसे अच्छा लगा मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ, आपको जो अच्छा लगे रिव्यूज़ के अंदर मैंने आपको बता ही दिया है, रिव्यूज़ आपको मैं सभी का दूंगा, जो आपको सबसे अच्छा लगे आप उसी को परचेस करो, ठीक है। जैसे कि ड्यूअल नेचर यहाँ पर रेडिएशन मैटर है, क्वांटम फिजिक्स है, एटम एंड न्यूक्लियाई है, मैग्नेटिज्म है, मूविंग चार्जेस, जितने भी टॉपिक है ना फिजिक्स के, आपको सिलेबस डिफाइंड मतलब डिफाइंड सिलेबस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सारे टॉपिक इन्होंने कवर किए हुए, पूरी NCERTs और इंजीनियरिंग फिजिक्स पूरी कंप्लीट की हुई है कवर, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप मैथ्स के देखोगे ना तो मैथमेटिक्स के भी सारे पोर्शन इन्होंने कवर किए हुए हैं, जैसे कि लीनियर एलजेब्रा मैंने मॉड्यूल कंप्लीट किया हुआ है, तो उसके अंदर यहाँ पर वही क्लासेस ऑन लीनियर एलजेब्रा। अब देखो मैं लीनियर एलजेब्रा की आपको एक बात बताता हूँ जो कि सबसे शॉकिंग है, या मैकेनिकल वालों के लिए शॉकिंग है, अगर आप लोगों ने अब तक पढ़ी हो या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हो ना तो मैकेनिकल वालों को मैं बताना चाहूँगा, कुछ टॉपिक है हमारे जैसे कि देखो वो हमें डिटेल्स में नहीं पढ़ाया जाता है, थोड़ा बहुत हमें टच कर दिया जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन जो होते हैं ना स्पिन आर क्यूब वाले रिलेटेड टॉपिक होते हैं मैट्रिक्स में, कुछ को तो हवाई नहीं लग रही होगी क्या हुआ भाई, ठीक है, स्पिन आर क्यूब रिलेटेड है ट्रांसफॉर्मेशन में, जो कि इलेक्ट्रिकल के सिलेबस में आते हैं बेसिकली, इलेक्ट्रिकल हमसे ज़्यादा मैथमेटिक्स पढ़ता है आपको पता है, तो उनके सिलेबस
में गेट के सिलेबस में, अपने गेट के सिलेबस में नहीं था, तो अपन ने कभी पढ़ा भी नहीं, नहीं इंजीनियरिंग सर्विसेज में पढ़ा, ठीक है। और हो सकता है बीटेक में काफ़ी लोगों ने पढ़ा हो, बट हमने यहाँ पर गेट की प्रिपरेशन करते टाइम तो नहीं पढ़ा। तो ये टॉपिक से हर साल दो क्वेश्चन आ रहे हैं एटीसी के अंदर, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब जो टॉपिक है उससे दो क्वेश्चन यहाँ पर आ रहे हैं, तो दो क्वेश्चन का लॉस हो जाता अगर मैं शायद ये ना देखता वीडियो लेक्चर्स। तो काफ़ी सारी चीज़ें कवर होती है यार, मतलब इसके अंदर उन्होंने जब लास्ट में पढ़ाया और क्वेश्चन भी बताया कि हाँ ये देखो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, वीकली टेस्ट भी मैंने दिया इनका, तो सारी चीज़ें कवर करने के बाद जब टॉपिक कवर होता है ना, तब लगता है कि हाँ यार कुछ अपन लेवल पे पहुंचे हैं बेसिकली, ठीक है। तो इससे मेरे को ये बेनिफिट हुआ, ठीक है, अगर आपको अभी अब बुक से पढ़ रहे हैं या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम गेट के कर रहे हैं उससे अगर अपना लेवल अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है। मैंने भी किए हैं गेट के क्वेश्चंस, तो लेकिन उसके बाद भी मैं चाहता हूं कि अपनी प्रैक्टिस को थोड़ा और इन्हांस किया जाए, ठीक है। इसी तरीके से कैलकुलस के इन्होंने यहाँ पर मॉड्यूल्स दिए हुए हैं, 26 मॉड्यूल्स हैं इनके, इसके अंदर कैलकुलस के वही वीडियो लेक्चर्स, उसके बाद प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। इसी तरीके से इन्होंने पूरे 26 मॉड्यूल्स में कवर किया हुआ है, जिसके अंदर कितने 12 वीडियो लेक्चर्स हैं, तो पूरी कैलकुलस कवर की हुई है उसके अंदर। कहीं और ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है अपन को, कोई एनसीईआरटीज पढ़ने की जरूरत नहीं है, सारी एनसीईआरटीज ही कवर की हुई है इन लोगों ने अच्छे से, ठीक है। इसके अलावा प्रोबेबिलिटी स्टैटिक्स है, और जो कुछ टॉपिक्स हैं जो कि इंजीनियरिंग मैथ में हम बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे ना, कॉनिक सेक्शन आपको पता भी नहीं चलेगा कि फिर एनसीईआरटी की बुक ढूंढनी पड़ेगी कहीं ना कहीं, ठीक है। तो कॉनिक सेक्शन से भी क्वेश्चन आते हैं एटीसी के अंदर, तो उसको भी इन्होंने यहाँ पर कवर किया हुआ है, देखो 3 से 4 वीडियो लेक्चर्स के अंदर कवर किया हुआ है, उसके पूरे आपको प्रिंटेड नोट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। एक नोट देखो, इसमें दो तरह के नोट्स होते हैं, एक तो वीडियो के साथ जो नोट्स होते हैं क्लासरूम नोट्स, इसके अलावा प्रिंटेड नोट्स, ठीक है। तो ये सबसे अच्छा है, जो कि वर्किंग वाले जो होते हैं, बहुत सारे लोग जो वर्किंग होते हैं, ठीक है, तो उनको बहुत फायदा होता है, ठीक है। तो जो वर्किंग है मेरी तरह उनको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है इससे, और जो काफ़ी सारे मिसलेनियस टॉपिक है ना उसके बारे में भी यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे कि ग्रुप्स वगैरह का टॉपिक है, ठीक है, इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, इसके स्टडी नोट्स हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं, ठीक है, क्लासेज ऑन रिंग्स हैं, ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पर क्लासेज ऑन सेट्स है, तो इनसे रिलेटेड जितने भी यहाँ पर वीडियो लेक्चर्स और यहाँ पर स्टडी नोट्स हैं ये आपको मिल जाएगी। एलपीपी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, इसके स्टडी नोट्स हैं, तो ये जितने भी यहाँ पर हैं वो आपको यहाँ पर जो मतलब एडिशनल टॉपिक्स है ना जिनसे क्वेश्चंस कभी ना कभी आए हुए हैं एक आध बार भी, वो भी इन्होंने अच्छे से कवर किए हुए हैं। अदर देखो वीडियो जो लेक्चर्स हैं उनका मेरे को पता नहीं है, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हो जो लोग यहाँ पर अटेंड कर रहे हो, ठीक है। और भी काफ़ी सारे यहाँ पर वीडियो कोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है, इंटरनेट पर आपको पता है यूट्यूब के ऊपर या फिर आप यहाँ पर प्ले स्टोर पर इतने सारे ऐप अवेलेबल है जो कि वीडियो यहाँ पर कोर्सेज करवा रहे हैं, तो उन पर आप बता सकते हो कि वो लोग भी करवा रहे हैं, जैसे कि रिव्यू अपने दोस्तों को अच्छे से यहाँ पर जेन्युइन रिव्यूज़ मिल जाए, ठीक है, जैसे कि जेनिक एजुकेशन है, ठीक है, अड्डा 24/7 है, और इसके अलावा अगर अपन बात करें तो यहाँ पर प्रशांत चतुर्वेदी का सर का है, टेस्ट बुक है, तो ये चार मेरे को जेन्युइन जो कंटेंट प्रोवाइड करवाने वाले लगे, ये चार लगे। कंपैरिजन आप लोग कर सकते हो, मैं अपने बेसिस पे कर रहा हूँ, जो मुझे लगा है मेरे बेसिस पे, मुझे टेस्ट बुक बेस्ट लगा इसलिए मैंने यही परचेस किया है, ठीक है ना, उसके बारे में अच्छे से आपको बता पाया हूँ क्योंकि मैंने अच्छे से परचेस किया है, तो शायद टॉपिक वाइज मैं आपको इसमें बता सकूँ क्या क्या इसके अंदर बेनिफिट्स मुझको लगे हैं। इंग्लिश के अंदर अगर अपन देखें तो सारे टॉपिक कवर किए हुए हैं, कोई जो इन्होंने मतलब जितने भी एग्जाम्स में आए हुए हैं ना एटीसी के, वो सारे टॉपिक इन्होंने कवर किए हुए हैं, ज़्यादा एडिशनल टॉपिक भी नहीं है, जैसे कि इंग्लिश में अपन को एडिशन जो पढ़ना पड़े, जो टॉपिक आए हुए हैं टू द पॉइंट कवर किए हुए हैं इन्होंने, ठीक है ना। तो ये बेसिकली यहाँ पर टेस्ट बुक का है, अगर आप लोग यहाँ पर परचेस करते हो तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा मेरे लिंक से, ठीक है, और अगर आप कोई और अदर वाला परचेस करते हो तो आपको अपने मतलब होता है ना कि जो आपको बेस्ट लगे आप परचेस कर सकते हो, इसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं है, बट हाँ अगर आप टेस्ट बुक का परचेस कर रहे हो तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है ना, 3999 शायद इसकी कॉस्ट पड़ेगी आप लोगों को, उसके बाद आपको 10% का डिस्काउंटेड प्राइस ही है शायद वो, ठीक है, जहाँ तक है आप एक बार देख लेना, ठीक है, आपको पता लग जाएगा जब आपको यहाँ पर लिंक पर क्लिक करोगे, ठीक है ना। तो बेसिकली टेस्ट बुक का रिव्यू था, और इसकी टेस्ट सीरीज़ के आपको पता ही है, टेस्ट सीरीज़ के बारे में तो शायद सभी लोग जानते हैं कि टेस्ट सीरीज़ यहाँ पर इसकी क्या बोलते हैं एटीसी की, ठीक है, ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी स्टूडेंट यहाँ पर टेस्ट बुक की टेस्ट सीरीज़ देता है, तो उसके लिए बताने की ज़रूरत भी नहीं है शायद मेरे को, ठीक है, फिर भी एक बार देख लेते हैं अपन यहाँ पर टेस्ट सीरीज़ के बारे में, टेस्ट सीरीज़ यहाँ पर कौन कौन सी है। तो टेस्ट सीरीज़ पे यहाँ पर देखते हैं, इसके अंदर टेस्ट सीरीज़ भी काफ़ी अच्छी दी हुई है, और टेस्ट बुक का पास तो यहाँ पर सभी के पास होता ही है, बट वीडियो के लिए आपको अलग से परचेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर एओ की टेस्ट सीरीज़ है, ठीक है, एओ की 31 टेस्ट, ये सब आप लोगों के पता ही होंगे, ये जूनियर एग्जीक्यूटिव टेक्निकल का है, इसमें मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल एलिजिबल है, ये एटीसी के 61 टेस्ट है, ठीक है, इसमें सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज, ठीक है, ये ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा इसलिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं खींचूंगा, बेसिकली मेरे को जो रिव्यूज़ देना था टेस्ट बुक का मैं आपको दे चुका हूं, बाकी अदर का अगर आप लोगों को ज़्यादा पता है, आप लोगों ने परचेस किया हुआ है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर कमेंट करके बता सकते हैं, तो वीडियो के नीचे भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो अपन यहाँ पर बेसिकली मैंने आपको टेस्ट बुक का दिया है, और अगर आपको यहाँ पर पसंद आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जिससे कि और फ्रेंड्स के भी यहाँ पर अपनी हेल्प हो जाए, ठीक है।
अड्डा 24x7 की अगर अपन देखें तो यहाँ पर फुल लेंथ टेस्ट सीरीज दी हुई है, ठीक है। यहाँ पर अगर अपन देखें एटीसी की, तो इन्होंने फुल लेंथ टेस्ट सीरीज दी हुई है जिसके अंदर 10th केवल फुल मॉक टेस्ट है, जिसकी प्राइस यहाँ पर इन्होंने 379 यहाँ पर बताई हुई है, ठीक है। और थोड़ा बहुत जो कोड वगैरह अप्लाई हो जाएगा उससे अगर आप यहाँ पर हो सकता है 350 तक ये पड़ जाए। उसके अलावा यहाँ पर AITC का यहाँ पर नॉन टेक बैच है जिसकी प्राइस इन्होंने यहाँ पर 1500 बताई हुई है डिस्काउंटेड प्राइस, ठीक है। और भी यहाँ पर इनका कोड होता है Y201 शायद इन सर का कोड है कुछ, उसके बाद ही आपको शायद थोड़ा हो सकता है कि 1000 या जो भी है इससे कम में पड़ जाए, ठीक है। उनके वीडियो लेक्चर्स की यहाँ पर नीचे कोड वगैरह यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा अगर अपन बात करें इनके फाउंडेशन बैच की, तो जो यहाँ पर इनका फाउंडेशन बैच है, ठीक है, उसके अगर अपन बात करें यहाँ पर जिसका प्राइस है वो यहाँ पर इन्होंने 1299 बताया हुआ है, जैसे कि अभी इन्होंने यहाँ पर कोड दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद अगर अपन बात करें तो ये 1234 मतलब लगभग यहाँ पर 1200 रुपये की पड़ रही है, जिसके अंदर अपन को 130 आवर्स का यहाँ पर वीडियो यहाँ पर लाइव क्लासेस यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। तो ये बेसिकली इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है किसका, यहाँ पर AI इसका एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का, ठीक है, ATC का यहाँ पर इनका जो सिलेक्शन 2.0 है। इसके अलावा यहाँ पर फाउंडेशन बैच है, तो अपन यहाँ पर सबसे पहले फाउंडेशन बैच का यहाँ पर देखा था जिसके अंदर केवल फिजिक्स और मैथ है, ठीक है ना। फिजिक्स और मैथ यहाँ पर ये कवर करा रहे हैं, सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर यहाँ पर नॉन टेक कवर नहीं है, ठीक है ना। 1299 जो आपको दिख रहा है काफ़ी यहाँ पर इकोनॉमी का है यहाँ पर, अदर अगर अपन वीडियो कोर्सेज के कंपेरिजन में बात करें यहाँ पर अड्डा 24x7 की, तो यहाँ पर ये काफ़ी यहाँ पर इकोनॉमिकल है, बट यहाँ पर इसके अंदर फिजिक्स और मैथ कवर करा रहे हैं। अगर आपको यहाँ से इनके डेमो लेक्चर्स देखते हैं तो आप YouTube पर देख सकते हो, ठीक है। YouTube पर यहाँ पर जो भी यहाँ पर फैकल्टी है, कंसर्न फैकल्टी, इन्होंने अपने यहाँ पर वीडियो लेक्चर अपलोड किए हुए हैं। अगर आपको पसंद आता है तो ही आप खरीदो, ठीक है, क्योंकि आपको खुद को लगना चाहिए कि वो टीचर पर्टिकुलर आपको यहाँ पर अच्छे से समझा पा रहा है, तो ही यहाँ पर आप उस कोर्स को परचेस करो। इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने अभी भी और भी काफ़ी सारे कोर्स यहाँ पर लॉन्च किए हुए हैं, ठीक है। तो सिलेक्शन बेस यहाँ पर 2.0 इन्होंने लॉन्च किया हुआ है 1299 के अंदर, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने वीडियो कोर्सेज फॉर नॉन टेक्निकल यहाँ पर बताया हुआ है कि देखो यहाँ पर डिस्काउंटेड प्राइस है, ठीक है। जो भी यहाँ पर 1249 या फिर जो भी यहाँ पर देखो 499 के अंदर ये भी यहाँ पर नॉन टेक पार्ट दिया हुआ है, और जूनियर एग्जीक्यूटिव जो टेक्निकल वाली पोस्ट है, ठीक है, मैकेनिकल वाली, उसके लिए भी यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है 379 के अंदर, ठीक है। 10 फुल लेंथ यहाँ पर मॉक टेस्ट है। इसके अलावा यहाँ पर एयरपोर्ट ऑपरेशन की भी इन्होंने फुल मॉक यहाँ पर लेंथ मॉक दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने 379 के अंदर दिए हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये यहाँ पर अड्डा 24x7 का था। आप एक बार जरूर इनकी जो मतलब डेमो लेक्चर से वो देखकर अगर आपको फिजिबल लगे, और अगर थोड़ा होता है ना कि इकोनॉमिकल कंडीशन अगर सही नहीं है अपनी, तो आप अपन इससे भी यहाँ पर परचेस कर सकते हैं, जिससे कि अपन को यहाँ पर एक गाइडेंस मिल जाएगी, ठीक है। सभी टीचर्स अच्छा पढ़ाते हैं, देखो आपको खुद को पता लग जाएगा जो भी अगर आप कंसर्न फैकल्टी की यहाँ पर डेमो लेक्चर्स देखोगे कि आपको कौन से यहाँ पर फैकल्टी से अच्छा समझ में आ रहा है, तो आप उसी कोर्स को यहाँ पर परचेस करो, ठीक है। मैं यहाँ पर अपना जो रिव्यू था वो मैंने आपको बता दिया है, और ये कोर्स मैंने परचेस किया हुआ नहीं है, तो यहाँ पर मैं आपको जो भी अंदर यहाँ पर इनके अंदर कोर्स परचेस करने के बाद क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती है, क्या क्या कितने यहाँ पर टॉपिक वीडियो लेक्चर्स हैं, क्या इनका टॉपिक के बाद यहाँ पर क्विजेज होते हैं, उस चीज़ के बारे में आपको बता नहीं सकता हूँ, ठीक है। तो वो आप जिसने परचेस किया हुआ है वो ग्रुप के अंदर शेयर कर सकता है, ठीक है, या फिर कमेंट सेक्शन में बता सकता है, जिससे कि अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनकी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पर अड्डा 24x7 का था, जिसकी प्राइस वगैरह मैंने आपको बता दी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो एक और ऑनलाइन कोर्सेज था उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, काफ़ी यहाँ पर पॉपुलर है ये नेम, ठीक है, और काफ़ी मेरे जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने यहाँ पर ये वाला यहाँ पर ऑनलाइन कोर्स लिया हुआ है, तो इसके बारे में उनके यहाँ पर रिव्यूज़ मैंने लिए थे, वो लोग बता रहे हैं कि इनकी काफ़ी अच्छी यहाँ पर वीडियो कोर्सेज है, बट ये सबसे ज़्यादा कॉस्टली आपको पड़ेगा, ठीक है, इसलिए मैं ये बता देता हूँ। बाकी आप इनके डेमो लेक्चर्स काफ़ी कम दिए हुए हैं यूट्यूब पर, जेनिक एजुकेशन इनका नाम है, ठीक है। तो ये ऐप के थ्रू ही आप यहाँ पर इनको एक्सेस कर सकते हो, तो यहाँ पर देखोगे तो इनका यहाँ पर कोई कंसेशन नहीं है, जो भी इनका कंसेशन प्राइस है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर अपन फिजिक्स और मैथमेटिक्स की बात करें केवल दोनों कोर्सेज की, तो अगर आप ये परचेस करते हो तो आपको यहाँ पर ये 4500 के पड़ेंगे, ठीक है। इन्होंने यहाँ पर देखो प्राइस मेंशन की हुई है 4500 केवल फिजिक्स और मैथमेटिक्स के लिए, उड़ान बेच है यहाँ पर। इसके अलावा अगर अपन फुल कोर्स की बात करें इनकी, तो जो फुल कोर्स है उसके अंदर आपको यहाँ पर 5500 यानी 5500 आपको यहाँ पर पे करने पड़ेंगे, ठीक है। और वीडियो ऑन डिमांड अगर केवल वीडियो लेक्चर्स की बात करें, तो यहाँ पर आपको फुल कोर्स 4000 में मिल रहा है, और जो मतलब मैथमेटिक्स की है उसके 2000 में है, मतलब सब्जेक्ट वाइज भी दिए हुए हैं उन्होंने, ठीक है। फिजिक्स की VOD ये जो है वो 2000 रुपये के अंदर है, और अगर अपन वीडियो ऑन डिमांड की बात करें यहाँ पर मैथ और प्लस फिजिक्स की अगर आपको वीडियो लेने हैं, तो यहाँ पर आपको 3500 यहाँ पर आप अपन को देने पड़ेंगे, कि इसके अंदर आप लाइव क्लासेस एक्सिस्ट नहीं कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ पर रिव्यू जो इस यहाँ पर वीडियो कोर्स का लिया था, इसके अंदर आपको यहाँ पर रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है। आप कोई डाउट वगैरह नहीं पूछ सकते हैं शायद, और आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, तो यहाँ पर आप
वीडियो लेक्चर से अपने यहाँ पर जो भी मतलब जो भी अपने यहाँ पर टॉपिक्स हैं उनको अपन यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा अगर नॉन टेक्निकल की बात करें, वीडियो ऑन डिमांड जो यहाँ पर रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे वो 1500 के हैं, तो इनका जो मेन कोर्स है उसको अपन एक बार देख लेते हैं। ठीक है, बहुत पॉपुलर यहाँ पर नया में अभी, और काफ़ी सारे बच्चों ने यहाँ पर इसके अंदर लॉग इन किया हुआ है। ठीक है, इनका कोर्स परचेस किया हुआ है, तो इसलिए मैं आपको इसका रिव्यू दे रहा हूँ। ठीक है, जो भी बेस्ट यहाँ पर है 2-3-4 जो कोर्सेज हैं उनके बारे में ही अपन बात करेंगे। ठीक है, तो इनके ऐप के थ्रू ही आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, इसके अंदर देखो जो इन्होंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, बताया हुआ है सारी चीज़ें, और 20 रुपीज़ आपको कैशबैक भी मिल जाएगा आप अगर यहाँ पर इसको परचेस करते हो तो। रिव्यूज़ वगैरह दिए हुए हैं, आप यहाँ से देख लो। ठीक है, जो भी यहाँ पर चीज़ें दी हुई है, पैकेज आइटम आपको क्या मिलेगा, जो भी यहाँ पर टीचर्स वगैरह हैं वो यहाँ पर आपको बता रहे हैं जितने भी है। ठीक है, तो अपन देख लेते हैं कि यहाँ पर इनका एफ बी ग्रुप है, ठीक है, वो समझ में आता है। उड़ान इंजीनियरिंग मैथ का यहाँ पर क्या है, यहाँ पर किसी चीज़ पे क्लिक हो नहीं रहा है, शायद ये हाल ही में इन्होंने ये सब चीज़ें बनाई हैं ऐप वगैरह। तो जो भी अगर देखो काफ़ी पॉपुलर था इसलिए मैंने आपको बता दिया है, बाकी आप खुद यहाँ पर अच्छे से समझते हो। अपन जिस एज में है यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई अगर अपन को यहाँ पर बता दे तो अपन उसी चीज़ को यहाँ पर कोर्स को परचेस करेंगे। मेरा बताने का मकसद ये है कि आप कंपेरिजन कर सको। ठीक है, इसके अंदर अगर इस प्राइस में भी अगर बच्चे यहाँ पर खरीद रहे हैं इस कोर्स को तो हो सकता है काफ़ी अच्छी फैकल्टीज़ होगी। तो एक बार आप इनकी यहाँ पर जो डेमो लेक्चर्स हैं, इनके यूट्यूब चैनल होगा यहाँ पर जेनिक एजुकेशन का, वहाँ पर AIITC की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। वहाँ पर शायद मैंने एक वीडियो लेक्चर देखा है एक एक सब्जेक्ट का, तो वहाँ पर वो है, तो आप वहाँ पर देख लो। अगर आपको लगता है तो आप इसको जरूर परचेस कर सकते हो, अगर आपको यहाँ पर फाइनेंशियल इशू नहीं है तो। काफ़ी अच्छा बता रहे हैं लोग इसे। ठीक है, तो ये जेनिक एजुकेशन का यहाँ पर AIITC की जो ऑनलाइन कोर्सेस है उसका रिव्यू था। ठीक है, तो अभी अपन ने यहाँ पर जो मतलब तीनों टेस्ट सीरीज का रिव्यू दिया, मैंने आपको 4 ऑनलाइन कोर्सेज बोले थे, लेकिन जो फोर्थ वाला था मतलब प्रशांत सर वाला, उसका मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा था आप लोगों के लिए, जब बाद में मैंने उसकी वीडियोस को देखा लेकिन वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग सपोर्ट ही नहीं कर रही है। मतलब कुछ प्राइवेसी कंसर्न होगा उनका कि वो शायद चाहते नहीं है कि ऐप के मटेरियल को कोई स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर मतलब कहीं पब्लिश कर दे, तो वो उनकी अपनी सिक्योरिटी रीजन से। बस मैंने आपको बता दिया, काफ़ी लोग परचेस करते हैं मतलब प्रशांत सर वाले वीडियो लेक्चर्स को। ठीक है, काफ़ी मतलब लाखों में व्यूज आते हैं उनकी वीडियोस पर, तो आप एक बार जरूर देख लेना। ऐप आपको मिल जाएगा, पीसी सर करके हैं, पीसी सर AIITC आप यूट्यूब पर डाल दोगे तो आपको उनका वीडियोज मिल जाएगा, उसके नीचे आपको उनका ऐप मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हो। उनका भी यहाँ पर फिजिबल रेंज में है आपकी जो ऑनलाइन कोर्सेज है, वीडियो लेक्चर्स हैं। ठीक है, उसके अलावा जेनिक एजुकेशन का है सबसे जो अच्छी क्वालिटी मतलब होता है, लोग कह रहे हैं काफी क्वालिटी वीडियोज मिलती है वहां पर। ठीक है, और काफी अच्छे से कवर किया हुआ है, मतलब मेरे दो फ्रेंड्स हैं उन्होंने यहाँ पर उसका रिव्यूज दिया था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, वो काफी अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं, लोग ऐसे कहते हैं। इसके अलावा टेस्ट बुक को आप सब जानते हो, उसकी फैकल्टी वगैरह भी अच्छा पढ़ा रही है, तो उसे मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। अगर आप लोगों को वो सही लगता है तो आप वो लो। ठीक है, इसके अलावा टेस्ट सीरीज की अगर अपन बात करें तो ग्रेड अप है, ठीक है, अंडर 24x7 है और टेस्ट बुक है, लेकिन टेस्ट बुक सबसे बेस्ट लगती है मेरे को। ग्रेड अप का लेवल बहुत ज्यादा हाईफाई है, और अंडर 24x7 का देखो यार सही बात बताओ तो दिल से देखो लोगों को अच्छा लगता होगा, बट मुझे उसकी टेस्ट सीरीज इररिलेवेंट लगती है यार। आप लोगों को कैसी लगती है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, बट मुझे इररिलेवेंट लगती है, काफी सारे क्वेश्चन इररिलेवेंट होते हैं उनके। ठीक है, जिसका कोई कोर्स से रिलेशन ही नहीं होता है, मैंने प्रीवियस भी PSU उसकी टेस्ट सीरीज का देखा था उनका हाल, तो बाकी इसलिए मैंने वो परचेस करने का कोई मेरा मन नहीं है। बाकी मैं आप लोगों को बोलूंगा जरूर देख लो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो। ठीक है, बाकी कोर्स से रिगार्डिंग है 3 या 4 जो कोर्सेस थे मैं वो आपको बता चुका हूँ, तो आप इनमें से देख लेना, आप लोगों को पसंद आया तो। देखो भाई रात के 2:30 बज चुके हैं, ठीक है, और रिव्यूज़ देने में तो देखो मतलब एकदम होता है ना कि पढ़ाई करने के बाद फिर वीडियो बनाना, मतलब एनर्जी एकदम डाउन है, तो देखो थोड़ा एक लाइक तो बनता है यार। अगर आप यहाँ तक आ ही गए हो और आपने पूरा रिव्यू देख ही लिया है तो एक लाइक तो जरूर बनता है, और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना यार, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। फिर मिलते हैं अपन अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी एग्जाम अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा।